हाय स्टूडेंट्स, तो आज जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। चलिए पहले हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। वाह, आज भी बहुत कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन मेनली तीन यूज हैं, है ना। डायमेंशनल इक्वेशन के मेनली तीन यूजेस हैं। फर्स्ट नंबर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, है ना। कोई भी फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट, है ना। कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो डायमेंशन का हेल्प लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन का। तो कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है उसको इसी हेल्प से चेक करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। नंबर टू, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट। जैसे बहुत सारे यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, लाइक सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। तो है एमकेएस, जो एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, तो एसआई में से ही वो तीन आ जाता है, सब कुछ पता है। यानी कहने का मतलब कि सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट, यानी एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एफपीएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, यानी किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है, डायमेंशनल इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे, है ना। उसको तो हम बेसिक मेथड से भी बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको सोल्व करना है बच्चों, तो एग्जाम में जब हम ऑप्शन टेक आउट करेंगे तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने किस मेथड से बनाया। बस सिलेबस में पढ़ना तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये बनाने के लिए तुमको हम बताएंगे। और थर्ड नंबर तो लाजवाब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है उन सारे में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, मीन्स टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। यानी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी डायमेंशनल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। डायमेंशनल इक्वेशन का यूज तीन है, इसमें से फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों लास्ट में, समझे ना, फॉर्मूला। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, सोचो यानी कि अगर हमको किसी फॉर्मूला के करेक्टनेस को चेक करना है तो हम लोग डायमेंशन का हेल्प लेंगे। अभी पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर होगा, बस नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए, ध्यान से जो कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद हर एक पॉइंट एकदम इजिली क्लियर हो जाएगा, देखना। हाँ, तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, तो इफ डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, इफ डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ RHS, देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या बात है, कुछ नहीं, बस ये लिखे हैं कि LHS का डायमेंशन और RHS का, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में भी ये बात हम समझा चुके हैं तुमको बच्चों कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। अरे वाह, तो यानी फॉर्मूला सही है, यानी कहने का मतलब कि उसकी LHS और RHS साइड का डायमेंशन क्या है, LHS RHS का डायमेंशन टर्म्स का सेम है। यानी ऑल टर्म्स ऑफ LHS हैविंग सेम डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ RHS। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिमाग में सेट रखना है, जो हम बात लिखे हैं बात में दम नहीं है, बस जैसे एग्जांपल लेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा कि इफ डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ RHS देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी लिखिए जल्दी। क्या इसका मतलब है वो हम समझाने जा रहे हैं बच्चों,
लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये मत समझ लेना कि कोई फॉर्मूला सही ही है। अरे वाह, ये बड़ा अजीब बात बोल दिया सर, डायमेंशन सही होगा तो फॉर्मूला सही नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। कैसे? तो तीन हम एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं, और तीनों एग्जाम्पल हम एक साथ लेते हैं कि पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इज करेक्ट, है ना, करेक्ट फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं रॉन्ग फॉर्मूला। और थर्ड नंबर भी ले लेते हैं रॉन्ग फॉर्मूला। समझना बच्चों, लाजवाब, ध्यान दो। रॉन्ग फॉर्मूला दो ठो ले रहे हैं, करेक्ट फॉर्मूला ले रहे हैं, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां ले लेते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 280, और यहां ले लेते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर। अरे गजब गजब सर, ये तो सही है सर, हम तो जानते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, हाँ, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन एंड इट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर वी इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक और होता है जो 12th क्लास में पढ़ाएंगे आपको कि smth nth टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो smth इक्वल टू यू प्लस 2n-1 into a/2, है ना, जो हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर में। तो देखा जाए बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस 80 तो आपको पता है कि एक्सलरेशन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऐसा होता है। तो वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी इक्वल टू यू प्लस 280, वी इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर, क्लियर। तो देखो बच्चों, अगर हम इसका बात करें, देखना ध्यान देना, LHS साइड चल रहे हैं बच्चों, तो वी इक्वल वी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी इज, तो वी इज वेलोसिटी LT^-1। RHS साइड अगर हम लोग चलेंगे तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, उस डायमेंशन इज LT^-1। याद होगा वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, LT^-1, क्लियर है। तो बताओ बच्चों, यहां से हमको पता चला कि फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, डायमेंशन आर ऑलवेज इक्वल, डायमेंशन आर ऑलवेज इक्वल। तो वी का डायमेंशन LT^-1, यू का डायमेंशन LT^-1, और एटी का डायमेंशन, ऑल टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन। तो ये टर्म एक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है एटी। एक्सलरेशन का डायमेंशन याद होगा LT^-2। बाबू रेगुलर लेक्चर पढ़ते जाओ तब पूरा क्लियर होगा। और टाइम का डायमेंशन टी मल्टीप्लाई होगा LT^-1 होगा। ओके, तो क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ LHS, शॉर्ट में लिख देते हैं डी, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल डायमेंशन ऑफ RHS। सो फॉर्मूला इज, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। देखो बच्चों, अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी दो चीज और क्लियर करें, बहुत कुछ सिखाने जा रहे दोनों से, जल्दी जल्दी बोलो। LHS साइड अगर हम चलेंगे तो भी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT^-1। अगर हम RHS साइड चलें तो U का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो LT^-1। 280 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग फॉर्मूला है। देखो v इक्वल टू यू प्लस 280 होता है कि 80 होता है, 80 होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर होता है, नहीं 80 होता है। अरे वाह, यानी कहने का मतलब कि 2 तो डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, एक्सलरेशन का होता है LT^-2, टाइम का होता है टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा LT^-1, राइट राइट। तो बताइए कि LHS का डायमेंशन LT^-1, RHS का भी डायमेंशन LT^-1, यानी हम हर एक टर्म का, ऑल टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन। तो बताइए कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल डायमेंशन ऑफ RHS। सो
सो देखना ना कंक्लूजन पे आएंगे तो लाजवाब फैंटास्टिक। सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अरे फॉर्मूला रॉन्ग है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला रॉन्ग हो गया 280, यानी 2 के कारण। ड्यू टू दिस फैक्टर है ना। तो ये जो 2 है, तो 2 का अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 2 डायमेंशन लेस है। M0, L0, T0, अरे वाह अरे वाह, यानी कि डायमेंशन लेस से मल्टीप्लाई किया गया है फॉर्मूला में, इसीलिए उस डायमेंशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक और चीज क्लियर करते हैं, देखो ना v इक्वल टू u प्लस at इंटू t, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करने के कारण फॉर्मूला में वेरिएशन आया है, रॉन्ग हुआ है। तो रॉन्ग अगर हुआ है इसके कारण, तो t का डायमेंशन तो होता है t, यानी जरूर फॉर्मूला गलत है तो डायमेंशन भी रॉन्ग होगा। कैसे? तो LHS साइड चलते हैं बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ v इज LT^-1। RHS डायमेंशन ऑफ LHS LT^-1, डायमेंशन ऑफ RHS, तो u का डायमेंशन LT^-1 और AT² का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन तो पता है LT^-2 होता है, टाइम का टी तो T² हो गया, कैंसिल हो गया, एल आ गया, गड़बड़ हो गया। यानी देखो LHS का डायमेंशन और RHS के हर एक टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम नहीं आया, मींस डायमेंशन ऑफ LHS डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अरे वाह यारोंग, अब देखो बच्चों तीनों से हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तीनों बात हम एक साथ क्यों रखे हैं तुम्हारे सामने है? कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट हो तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, ऑलवेज ऑलवेज। दिमाग में सेट रखो कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट हो तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, ऑलवेज, हमेशा हमेशा और हमेशा। लेकिन अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। हाँ, आप रॉन्ग फॉर्मूला देके कह देंगे कि सर डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, गलत, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज इफ एनी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस नंबर, देन व्हाट हैपेंस? देन डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS ऑलवेज बी इक्वल। बट एनी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट, बट फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। अरे वाह, बड़ा अजीब बात है। लास्ट ध्यान से सुनो बच्चों, कि अगर कोई फॉर्मूला सही हो, करेक्ट हो, तो डायमेंशनली करेक्ट हमेशा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो तो डायमेंशनली करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। इस सबका डायमेंशन तो तुमको निकालने आता है भी U280 का। लेकिन यहां डायमेंशन क्यों सही है? क्योंकि वहां पे जिस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है वो डायमेंशन लेस नंबर है, लेकिन यहां जिस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है वो डायमेंशनल नंबर है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि अगर फॉर्मूला करेक्ट हो तो हमेशा हमेशा और हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन अगर फॉर्मूला इनकरेक्ट हो तो डायमेंशनली करेक्ट भी हो सकता है और डायमेंशनली इनकरेक्ट भी हो सकता है। लाजवाब फैंटास्टिक। ध्यान दो बच्चों, अगर फॉर्मूला राइट हो, करेक्ट हो, तो फॉर्मूला अगर सही है तो डायमेंशनली हमेशा सही होगा, लेकिन फॉर्मूला अगर गलत हो, दोनों गलत है, तो डायमेंशनली सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब सही कब होगा डायमेंशनली? जब वैसे कोई डायमेंशन लेस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्योंकि यहां जो एल आ रहा है डिस्टेंस का, एल डिस्टेंस का डायमेंशन है यार, लेंथ का डायमेंशन है यार, लेकिन LT^-1 वेलोसिटी का डायमेंशन है, डायमेंशन इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा?
जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। अब देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल लेंगे तो पूरे अच्छे तरह से आपको क्लियर होने जा रहा है। ये नहीं तुमको बताना है, अभी इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं कि बस चेक करना है आपको कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट। फॉर्मूला इनकरेक्ट भी होगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। सामने भी दिखाई दिया तो डायमेंशनली करेक्ट अगर हो जाए तो ये मत कहना कि फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली हमेशा करेक्ट होगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे क्लियर हो गया होगा, नो कंफ्यूजन। अगर फॉर्मूला करेक्ट तो डायमेंशनली करेक्ट ऑलवेज, बट व्हेन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट देन इट मे और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? चलो अभी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा कि चेक करना है, चेक दैट विच of the following, which of the following is dimensionally correct. Check that which of the following is dimensionally correct. Okay, तो देखिए बच्चों, number A में चलते हैं लेकर के question। तो f इक्वल टू होता है, बहुत सारे फॉर्मूला को आप चेक कर सकते हैं, सही है कि नहीं? ये तो सही है। जब सर्कुलर मोशन हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, तो सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ाएंगे, दो तरह का फोर्स पढ़ाएंगे, एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला f इक्वल टू होता है mv2 / r, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ध्यान देना बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moves on a circular path with uniform speed v, क्योंकि जब velocity है तो direction change करेगा, speed हो जाएगा, with a speed v whose radius is r, मतलब जिस circular path पे rotate कर रहा है उसका radius r है, then centripetal force experienced by that object is fc। तो fc को f हम लोग direct लिख दिए हैं, fc equal to mv2 / r। ये प्रूफ करेंगे हम सर्कुलर मोशन में बच्चों। सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, है ना, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से, स्पीड से भी मूव कर सकता है, कांस्टेंट से भी मूव कर सकता है, क्या क्या सिचुएशंस आएंगे वो सर्कुलर मोशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बोलो बच्चों कि एफ इक्वल टू है mv2 / r, तो जरा सोचो एफ इक्वल टू जब है mv2 / r, तो ये है सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv2 / r। हम लोग क्या देख रहे हैं कि बस अभी फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे और हर एक फॉर्मूला का जानकारी हम लोग को मिलते जाएगा, राइट। अब देखो एफ इक्वल टू mv2 / r, ये फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स, चलो लिख देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एम तो मास जानते हैं आप, वी वेलोसिटी जानते हैं, आर रेडियस है जानते हैं, सब कुछ तो जानते हैं जी। अब देखो बच्चों LHS फोर्स का डायमेंशन, तो ML T^-2, बहुत बार बोले हैं, अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा काम देगा ये फोर्स का डायमेंशन, वेलोसिटी, वर्क डन, ये सारे बहुत याद करो इसको, एक्सेलरेशन सब याद रखो बच्चों। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML T^-2, और RHS साइड चले तो mv2 / r, मास का m होता है, वेलोसिटी का L T^-1 होता है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस यानी लेंथ यानी l हो जाएगा, मास का m होता है, वेलोसिटी का L T^-1 होता है, उसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय रेडियस l हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ML²T^-2, ML²T^-2 डिवाइडेड बाई एल से एल कैंसिल, आ गया बच्चों ML T^-2। ऐसे तो फॉर्मूला सही है, लेकिन फॉर्मूला रॉन्ग भी रहता अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता 2mv2 / r रहता तो भी सही हो जाता। हमको सिर्फ चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS equal dimension of RHS, so this formula is dimensionally
करेक्ट, वाह हो गया। अब सोचो बच्चों कि LHS का डायमेंशन, LHS में फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होता है मल्टीग्राम माइनस स्ट्रो, और RHS में भी स्क्वायर बाय आ रहा है तो मास टाइम होता है, वेलोसिटी का पता है आपको, उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस इज टाइप ऑफ लेंथ, सो इट्स डायमेंशन इज L, तो M L स्क्वायर टीरम माइनस स्ट्रो डिवाइडेड बाय L आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो जल्दी तरह क्लियर हो गया होगा, जल्दी बस एक बार एग्जाम्पल और लेंगे क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी फॉर्मूला तुम्हारे सामने रहेगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस पूरा 11 12 समाप्त नहीं हुआ है, तो जो भी टर्म आएगा उसके बारे में लिख देगा कि दिस टर्म इज दिस वन, है ना, मीन्स एफ सी इज फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सब कुछ कह देगा बच्चों। तो चलिए जल्दी अब देखो, वो इसको छोड़ देते हैं, ये काम देगा तुरंत। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा, मोशन में पढ़ाएंगे। इसको रहने देते हैं, काम देगा। जैसे फ्री फॉलिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे नाइन्थ में आप पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जीरो वेलोसिटी से, फ्री फॉलिंग मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, जब फ्री फॉल होगा तो अर्थ सर्फेस पे उसका जो वेलोसिटी हो जाता है बच्चों ओ भी, और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए इक्वल टू प्लस जी, मीन्स एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉलिंग देन व्हाट हैपेंस, देन इट्स एक्सलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ऑल्सो, सो बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, सो ए इक्वल टू प्लस जी। ओके, अब याद कीजिए मोशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अगर हम अर्थ सरफेस पे मूव करेंगे हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा तो बताओ। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर हम इसी को वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, सब पढ़े हो लेकिन नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम बस तुमको एक चीज बताने जा रहे हैं, एक चीज कि हमको ये क्वेश्चन बनाना है नंबर टू, इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, इसी को चेक करना है डायमेंशनली, इसीलिए हम एक फॉर्मूला लगा तुमको क्लियर कर देते हैं। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर जीरो स्क्वायर प्लस टू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए इक्वल टू प्लस जी, और डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है एच, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टू जी एच, तो वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, यानी फॉर्मूला सही है तो हमेशा डायमेंशनली सही होगा, अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली हमेशा सही होगा, और अगर फॉर्मूला गलत है तो डायमेंशनली सही भी हो सकता है और गलत भी, दोनों समझा चुके हैं, बोलो। तो जल्दी 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 लिख लीजिए, लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहां से हम लोग को पता चला कि अच्छा फॉर्मूला ही सही हो गया, तब तो ये डायमेंशनली सही हो गई होगा। अब सोचो बच्चों कि अगर हम LHS साइड और RHS साइड का बात करें, तो LHS और RHS, LHS में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT टू दी पावर माइनस वन, जल्दी बोलो। RHS साइड का बात करेंगे तो अंडर रूट टू जी एच का डायमेंशन, तो अंडर रूट टू का डायमेंशन नहीं होता है, राइट। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद करो जो एक्सलेशन का डायमेंशन होता है वही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, तो जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों LT टू दी पावर माइनस टू, और एच हाइट का एल हो जाएगा। तो याद करो ये तो पावर जीरो यानी वन, तो एल एल, तो एल इंटू एल, इसको लिख सकते हैं टी टू दी पावर माइनस वन इंटू टी टू पावर माइनस वन, बोलो। यानी कहने का मतलब कि जब बेस सेम है तो पावर एड होगा तो वही आ जाएगा। अरे वाह, दो एल है एक एल बाहर, दो पावर माइनस वन है टी का एक बाहर, यानी यही आ गया, बोलो। यानी कहने का मतलब कि अब हम आराम से यही चीज लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, रूट टू जी एच का फाइंड आउट कर लिए, टू का नहीं होता है, जी का होता है एल टी वन माइनस टू, हाइट का एल होता है, एल एल एक बाहर आ गया, टी टू माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन एक बाहर आ गया, क्लियर। तो जल्दी लिख लो, जल्दी एक और देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही जितना सारा आएगा सब तुम बना देगा, हमको पता है, वो भी लिख लेना, क्योंकि इसमें लिखेंगे वो चीज लिखना जरूरी है कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अरे वाह, छी नंबर बच्चों, छी नंबर। हाँ, जब हम आपको सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे
और एक होता है कैपिलरी ट्यूब, मींस ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है ना, इसमें वाटर अगर राइज हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हाइट का, एच इक्वल टू होता है 2s cos θ / ρgऔर ये हम बताए भी हैं अलग स्टाइल में, याद करो एस इक्वल टू बताए थे ρgRh/2 और यहीं से सरफेस टेंशन का हम ऐसा यूनिट लाए थे, डायमेंशन लाए थे, और यहाँ फोर्स पॉइंट लेंथ से भी लाए थे, दो मेथड से लाए थे। और देखो यही चीज है, देखो 2s से मल्टीप्लाई कर दो, रो आर जी से डिवाइड कर दो, यहाँ एच बच गया, रो आर जी, हाँ अगर कॉस जीरो एंगल जीरो, कॉस जीरो अगर वन होगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जाएगा देखो, और अगर एंगल कुछ रहेगा तो, यानी जब हम आपको सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बच्चों उस समय डिटेल इसका बताएंगे, लेकिन अभी बस सब कुछ तुमको पता है कि फॉर्मूला में कौन क्या है, ये हाइट है, नहीं पता है तो लिख देते हैं, ये हाइट है, ये सरफेस टेंशन है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, आगे पढ़ेंगे वो फोर्स में, लेकिन ये सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, रो डेंसिटी, आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाह देखो बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग आराम से डायमेंशन निकालेंगे एल एच एस आर एच एस का, हाइट का डायमेंशन एल होता है, अरे वाह, और आर एच एस साइड चल देंगे बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी, टू डायमेंशन लेस होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फोर्स एम एल टी जीरो माइनस टू बाई एल कैंसिल, यानी ये डायमेंशन आ गया सरफेस टेंशन का। बोलो सबसे अच्छा हम तरीका बताएं तुमको, बोले भी है कि सरफेस टेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज्यादा यूज में आता है, इसीलिए इसको याद रखना, सरफेस टेंशन फोर्स यूनिट पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी रो माइनस टू बाई एल, लेंथ का एल कैंसिल हो गया, तो एम टी रो माइनस टू, एम टी टू दी पावर माइनस टू, कॉस थीटा डायमेंशन लेस होता है, याद होगा साइन थीटा का डायमेंशन निकाल के बोले थे, अरे cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस इज अ टाइप ऑफ लेंथ एंड हाइपोटेन्यूस इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल आउट, ओके, रो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम मींस मास बाय m बाय l क्यूब, तो l के ऊपर जाएगा माइनस थ्री। अब देखो रेडियस का l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का याद ही होगा, l t माइनस टू कैंसिल, और उसको उड़ा दो, m से m कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे, ये पावर माइनस से ऊपर जाएगा, पावर प्लस होगा, ये सब का पावर तो जीरो है, वन हो जाएगा, एल 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 स्क्वायर कैंसिल होगा, एल बच जाएगा, अरे वाह क्या बात है, क्लियर, सबका डायमेंशन रख दी बच्चों, आ गया, तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस, डायमेंशन ऑफ आर एच एस, सर्फेस टेंशन का डायमेंशन पुट कर दिए, cos थीटा का नहीं होता है, टू का नहीं होता है, रो का होता है एम बाई एल क्यू, ऊपर आया इतना, रेडियस का एल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी रो माइनस टू, सोल्व किए आ गया एल, क्लियर, तो जल्दी से उतार लीजिए, बाकी लिख देंगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। जल्दी नेक्स्ट यूज पे आते हैं, जल्दी, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट, तो किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, तीनों अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो और लाजवाब है थर्ड वाला, कि एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे कोई फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर लेंगे उसके हेल्प से, लेकिन वो अगले लेक्चर में सेपरेट उसका लेक्चर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अप्रोक्स 2 आवर्स का लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए देखो बच्चों नंबर टू, ये दोनों छोटा छोटा था तो दोनों को एक में और एक अलग है, ओके, तो नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट,
पहला तो यूज एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, 100% एकदम बोला। अब देखो एकदम अच्छे से क्लियर हो कमेंट करके कहा कीजिए कि सर ये चीज हमको अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, हमको भी लगेगा कि हाँ कुछ बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन सिस्टम ऑफ वन यूनिट आर रेस्पेक्टिवली N1 and U1, whereas they are N2 and U2 in system of another unit. तुरंत समझा रहे बच्चों, टेंशन नहीं लेना। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन सिस्टम ऑफ वन यूनिट आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड U1, whereas they are N2 and U2 in system of another unit. अरे वाह, जैसे मान लिया जाए कि आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, प्रूफ किए थे, और उसी से प्रूफ किए थे N1 U1 equal to N2 U2 जब हम यूनिट स्टार्ट किए थे पढ़ाना बच्चों, तो याद कीजिए। और देखिए स्टाइल मारते हैं हम लोग, 1 meter equal to 100 centimeter ही लेकर के हम इसको शॉर्ट में प्रूफ कर दिए थे, 1 meter equal to 100 centimeter, याद करो। तो 1 meter equal to 100 centimeter, अगर ऐसा सोचो कि वो मीटर जो है वो एमकेस वाला है, एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड, मींस एमकेस सिस्टम है ये, जिसमें यूनिट U1 मान ली, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 मान ली। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन सिस्टम ऑफ वन यूनिट, तो सिस्टम ऑफ वन यूनिट में यूनिट मान लिए एमकेस वाला, बोलो, और न्यूमेरिकल वैल्यू वही एमकेस वाला, और यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS, तो ये मान लिए अनदर यूनिट में यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे बोलो, ये है पहले एमकेस में, ये है एमकेस में, और ये है CGS में। बोलो, तो वन यूनिट में, सिस्टम ऑफ वन यूनिट में मान लिए U1 मीटर और N1 वन, और सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट में CGS में मान लिए डिस्टेंस का सेंटीमीटर और यानी U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू N2। क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, तो पहले तो आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं कि अगर कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लॉन्ग मेथड हमको पढ़ना ही है सिलेबस में, तो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे बच्चों कि शॉर्ट में ये कैसे बनता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं देखेगा कि किस मेथड से तुम बनाया, है ना। तो चलिए जल्दी यहां से हम इसका हेल्प लेंगे, लेकिन पहले शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे बच्चों, ये याद भी होगा आपको, और दो कन्वर्जन बता देंगे, कैसा फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं जिससे आप बहुत कुछ ला सकते हैं। अरे वाह, आपको याद होगा 1 newton इक्वल टू होता है 10^5 डाइम, है ना, न्यूटन एमकेएस, डाइम CGS, अरे वाह, और 1 joule, जूल एमकेएस, 10^7 अर्ग, बोलो अर्ग, CGS, यानी CGS यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इज अर्ग, बट एसेंट इज जूल, एसेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बट इट्स CGS यूनिट इज टाइम। क्लियर। अब देखिए बच्चों शॉर्ट में बनाने का तरीका बता रहे, चलो ध्यान दो, जैसे शॉर्ट में पहले, ओके, 1 newton, जैसे F इक्वल टू क्या होता है बोलो, F इक्वल टू होता है MA, तो फोर्स का एसेंट न्यूटन, मास का किलोग्राम, एक्सलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है, अरे फोर्स का न्यूटन, मास का किलोग्राम, एक्सलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो कोई दिक्कत नो, तो बताइए बच्चों 1 newton, बताइए MKS ये किस में है, MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट, अच्छा 1 kilogram को लिख सकते हैं हम 1000 gram, और 1 meter को लिख सकते हैं 100 centimeter, बोलो, और सेकंड तो वही है, एमकेस रहे या सीजीएस रहे, सेकंड तो वही है, तो 1 newton
इक्वल 10^3 or 2, 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, तो बताइए बच्चों ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, CGS, और इसी को हम कह देते हैं क्या, 10^5 इसी को कह देते हैं बच्चों डाइम। CGS यूनिट है डाइम फोर्स का, यानी ये देखो MKS था, हाँ तो 1 kg/s² मतलब 1 N और 1 डाइन इक्वल टू 1 g/cm². अरे वाह, कंपैरिजन करो दोनों का पता चल जाएगा तुरंत, अभी लॉन्ग मेथड से बताएंगे तो कंपैरिजन ऐसी करके बनाएंगे बच्चों। तो सोचो ध्यान देना एकदम एक बार में क्लियर हो गया, F इक्वल टू होता है MA, 1 N = 1 kg/s² राइट, तो 1 N 1 kg 10^3 means 1000 g, 1 m 100 cm, और सेकंड तो है MKS रहे, CGS रहे, FPS रहे, कोई भी रहे, SI रहे, सब में सेकंड इज कॉमन। तो बताइए बच्चों 1 N 10^3 or 2, 5 बेस इज सेम देन पावर बी एडेड 5 g/cm², और इसी को हम कहते हैं क्या, तो 9 g/cm² means CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को ही टाइम कहते हैं। क्लियर, तो देखो कितना शॉर्ट बन गया तुरंत, समझाया था ना, नहीं तो तुरंत बना लेता एकदम 1000 or 200 or 5 आंसर डायरेक्ट एकदम। जल्दी 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 एक से बन गया, लेकिन इसको सेकंड मेथड से बनाने जा रहे बच्चों, और आइए सेकंड मेथड से कैसे बनेगा चलते हैं बोले करके देखा जाए, ध्यान से समझा जाए। जैसे हमको कन्वर्ट करना है, चलो इसको भी मिटा देते हैं जूल वाला एनर्जी वाला बाद में, पहले हम फोर्स वाला बात करने जा रहे हैं कि 1 N में कितना डाइन होता है ये देखने जा रहे हैं। तो 1 N = ... नहीं पता, और N1 U1 = N2 U2, यानी यहाँ N2 है, अरे बोलो N1 U1 = N2 U2। अब बताओ ये N1 जो हो गया 1 हो गया, और U1 जो हो गया वो न्यूटन हो गया, और N2 जो हो गया वो वाट, और U2 जो हो गया और डाइन हो गया। न्यूटन मतलब क्या कि kg/s², तो डाइन मतलब क्या कि g/cm². अरे जल्दी बोलो न्यूटन मींस, किसको न्यूटन कहा जाता है, तो kg/s² को कहा जाता है, अरे साइंटिस्ट को कहा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे अब बोलो बच्चों N1 1 U1 N न्यूटन, N2 नहीं पता, और U2 डाइन। डाइन मीन्स जैसे न्यूटन तो kg/s², तो डाइन मतलब केजी तो ग्राम, मीटर तो सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड। क्लियर हुआ, अब बताओ बच्चों यहां से हम लोग क्या स्टाइल मारने जा रहे हैं वो जरा सा देखिएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 N = 1 kg/s² और यहां से लिख सकते हैं 1 N = 1 g/cm². बोलो 1 N = 1 kg/s² और 1 N = 1 g/cm². क्लियर, अभी थोड़ा समझाया थोड़ा देर पहले। अब देखो बच्चों, अब देखना ऐसा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। N1 U1 = N2 U2, अब यूनिट को डायमेंशन के फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं MLT और N2 MLT। देखो बच्चों ध्यान से, अब बताओ अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 m = 100 cm है, तो इधर भी डायमेंशन लेंथ का L होगा, इधर भी डायमेंशन लेंथ का L, यानी यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। अगर यहाँ F = ma है, तो इधर जितना पावर होगा फोर्स के लिए, इधर फोर्स ma मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, यानी कहने का मतलब कि LHS में और RHS में पावर सेम होना चाहिए, ये हम सिखाने जा रहे हैं। तो मास का पावर m, मास का पावर m का पावर 1, m का पावर 1, l का पावर 1, l का पावर 1, t^-2, t^-2, यानी पावर सेम होना चाहिए LHS और RHS में, है ना। तो अब बताइए बच्चों कि यहां से हम लोग सीख लिए कि अगर इधर m है तो इसका पावर अगर x होगा तो इधर भी m का पावर x होगा, अगर LHS में L का पावर वाई होगा तो RHS में भी L का पावर वाई होगा, LHS में T का पावर जेड होगा तो इधर भी T का पावर जेड होगा, अगर इधर 1 है तो 1 1 1,
इधर टू है तो टू 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 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तीन है मेनली हम लोग बात करते हैं तीन का एमएल और टी का, मेनली तीन का एमएल और टी का, क्योंकि ज्यादातर एमएल टी ही आ रहे हैं देख रहे हो। लेकिन आपको बता दे बच्चों कि अगर हम लोग बात करें एमएल टी का तो इधर अगर पावर मास का मास के लिए अगर बात करें तो एलएचएस में जितना होगा उतना ही आरएचएस में होगा, ये तो कॉमन सेंस आपको पता चल रहा है। V इक्वल टू यू प्लस एटी, तो V में एल टी का पावर माइनस वन, यू में एल टी का पावर माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी टू माइनस टू इन टू टाइम का टी मल्टीप्लाई करेंगे एल टू माइनस वन। क्या सीखने को मिला कि एलएचएस में जो पावर एल का होगा वही आरएचएस में पावर एल का होगा, एलएचएस में जो पावर टी का होगा वही आरएचएस में पावर टी का होगा। क्लियर? अब बताइए बच्चों, यानी कि जो पावर एलएचएस में वही पावर आरएचएस में, तो बताओ कि यहाँ एन वन है यहाँ एन टू है, अच्छी बात है, नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन से मतलब नहीं, यूनिट को हमने डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो एम वन एल वन टी वन, तो एम टू एल टू टी टू, पावर एम का एक्स तो पावर एम का एक्स, पावर एल का वाई तो पावर एल का वाई, पावर टी का जेड तो पावर टी का जेड। अब बताओ बच्चों एन टू इक्वल टू लिख सकते हैं एन वन इन टू एम वन एल वन टी वन एक्स वाई जेड। अब बताओ इधर मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड आएगा डिविजन में आएगा एम टू एल टू टी टू पावर एक्स वाई जेड। अब बताओ बच्चों फॉर्मूला ऐसा तैयार हुआ कि वाह मजा आएगा, एम वन बाई एम टू का पावर एक्स, एल वन बाई एल टू टू दी पावर वाई एंड टी वन बाई टी टू टू दी पावर जेड। क्लियर हो गया होगा, यही फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र हो गया ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए, ब्रह्मास्त्र हो गया। देखो तो एन टू इक्वल टू एन वन इन टू एन वन, तो वन वाला ऊपर रहेगा और टू वाला नीचे रहेगा, याद करने का तरीका एन टू तो इधर मल्टीप्लिकेशन में टू वाला तो नीचे ना आएगा, तो नीचे ना आएगा टू वाला, तो एन टू इक्वल टू एन वन इन टू एम वन बाई एम टू पावर एक्स, एल वन बाई एल टू पावर वाई, टी वन बाई टी टू पावर जेड, क्योंकि दोनों का पावर एक्स है तो पावर एक्स आ गया। क्लियर? जल्दी उतारो जल्दी, ये फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चों। अब देखो यहां से अब इसी क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं इस मेथड से, ध्यान देना एक बनाएंगे दूसरे में बहुत जल्दी क्लियर होगा तुमको, देखना कैसे। देखो बच्चों एन टू इक्वल टू एन वन इन टू एम वन बाई एम टू टू दी पावर एक्स, एल वन बाई एल टू टू दी पावर वाई और टी वन बाई टी टू टू दी पावर जेड। क्लियर? अब देखो एन वन कितना आया है, वन है, चलिए थोड़ा स्टाइल मारते हैं। देखो डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर माइनस टू फोर्स है, तो यूनिट कुछ भी रहे बच्चों डायमेंशन वही होता है बच्चों, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात बोले हैं भी बहुत पहले लेक्चर में है ना, बहुत बार ये बात बोले हैं कि यूनिट कितना सारा हो डायमेंशन एक ही होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग तो यूनिट का, तो यूनिट लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर, पारसेक है ना, लाइट ईयर, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए डायमेंशन का तो एल, लेंथ का एल, अरे बोलो, तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन वही होगा, यूनिट अलग अलग होगा लेकिन डायमेंशन वही होगा एमएल टी टू दी पावर माइनस टू। अब बताइए जैसे ही फोर्स को देखें तो इसको देख के क्या मन में ख्याल आया, एम का पावर वन है, एल टू दी पावर वन, टी टू दी पावर माइनस टू, तो बताइए यहाँ एम टू दी पावर वन, बोलो बोलो, यानी कि एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू माइनस टू। अरे वाह क्या बात है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ एम एल टी टू माइनस टू, एम एल टी टू माइनस टू, तो एम का पावर वन, एल का पावर वन, टी का माइनस टू, तो एक्स यहाँ पे देखो ध्यान देना, पावर एम का पावर वन है तो एक्स वन, एल का पावर वन है तो वाई वन, टी का पावर माइनस टू है जेड टू माइनस टू। अब बताओ यहाँ पे एम का पावर एक्स है, एम का पावर वन है तो एक्स वन, एल का पावर वाई है, एल का पावर वन है वाई वन, टी का पावर जेड है और टी का पावर माइनस टू है तो जेड माइनस टू। अरे वाह, इसे सब सारा बहुत सारा आ जाएगा बच्चों, इसी से देखना भी तुरंत मसाले मारेंगे थोड़ा देर में। तो बताओ हाँ जो वन वाला है वो ऐसा ही वाला है, एमकेस वाला है, यानी हमको एमकेस को कन्वर्ट करना है बच्चों सीजीएस में, वी हैव टू कन्वर्ट द एमकेस टू सीजीएस। मीन्स क्या देख रहे हैं हम लोग कि एलएचएस में जो है वो एमकेस में है और आरएचएस में जो है वो सीजीएस में है। तो चलो देखो एमकेएस में ऊपर वाला जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखते हैं,
न्यूमरेटर में और जिसको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसको डिनोमिनेटर में। ओके, तो बताइए ऊपर में रखते हैं जिसको कन्वर्ट करना है, नीचे में रखते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है। तो बताओ बच्चों, ऊपर यानी कि एसआई वाला एमकेएस वाला, तो 1 kg लेंथ 1 meter टाइम 1 second। अब देखो नीचे सीजीएस वाला है तो 1 gram 1 centimeter 1 second, सेकंड तो सेम है। अब पावर देखो, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू -2। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। अरे देखो बच्चों, n2 इक्वल टू n1 इनटू m1 बाय m2 का पावर x, l1 बाय l2 का पावर y, t1 बाय t2 का पावर z। अब बताओ बच्चों, n1 1 है, ऊपर वाला जो है वो एसआई के फॉर्म में एमकेएस में है, एमकेएस। तो मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड, मास। अब देखो सीजीएस में तो मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकंड, सेकंड तो कॉमन है, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 का पावर -2 यानी 1 बाय 1 का पावर 2 यानी 1 बाय 1 इनटू 1 1 1 आ जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा, 1 का पावर -2 रहे, -4 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 1। यानी कि अब इसको लिख सकते हैं बच्चों, 10^3 ग्राम बाई 1 ग्राम, 10^2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, 10^5 आ गया, आ गया। तो बताओ n2 का वैल्यू रख दे वहां पे, ऊपर भी रख दो, कम खत्म। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू n2 टाइम, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 टाइम, क्या बात है। लेकिन लॉन्ग में चला गया ना बच्चों, बहुत लॉन्ग है, हाँ अच्छा कैसा लॉन्ग है यार। हाँ तो बताइए n2 इक्वल टू 10^5 टाइम, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कन्वर्ट करना उसको ऊपर रखो, जिसको जिसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना उसको नीचे रख दो। यानी एमकेएस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो एमकेएस वाला ऊपर और सीजीएस वाला नीचे। क्लियर हुआ, हुआ ना। अब देखो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, जल्दी से उतार लो जल्दी। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन, 1 जूल इक्वल टू वाट अर्क। हाँ ये तो पता है, ठीक है, n1 1 हो जाएगा, u1 जूल हो जाएगा, और n2 वाट, और इधर अर्क हो जाएगा u2। केजी मीटर स्क्वायर याद है एनर्जी का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इधर केजी, इधर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अरे बोलो जूल, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोली बोली। चलिए पहले इसे बना देते हैं, चलिए। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन मींस जूल, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, आ गया 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, अरे बोला 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है का होल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आ गया कितना बच्चों, पावर 3 और पावर 4 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यही तो है अर्ग। सीजीएस एनर्जी के लिए, सीजीएस तो अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, आ गया शॉर्ट में, आ गया जल्दी जल्दी उतारो जल्दी, पहले इसी को उतार लो बच्चों। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम अर्ग कहते हैं। देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग अर्ग कहते हैं, मीन्स 1 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पे तो पता है आपको कि 1 जूल इक्वल टू, बोलो 1 जूल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 जूल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत अच्छा। 1 अर्ग 1, देखो यहाँ जूल है तो यहाँ अर्ग है, यहाँ केजी है तो यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है तो वहां सेंटीमीटर है, यहाँ सेकंड तो सेकंड, क्लियर। और ये डायमेंशन तो आपको पता है, एम एल स्क्वायर टी का -2 यानी एम का पावर 1, एल का पावर 2 और टी का पावर -2। अरे वाह वाह, देखो देखो कितना मजा आ रहा है, देखो बच्चों ध्यान देना अच्छे से, एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये तो आप बना लिए होंगे। और चलिए लॉन्ग मेथड में थोड़ा सा स्टेप मारेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो देखो एनर्जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, और यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब बताओ बच्चों, 1 जूल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 अर्ग 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए एकदम तैयार है फॉर्मूला। अब बताओ एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, मास एम का पावर 1 है यानी x1,
एल का पावर टू है यानी पावर टू जेड माइनस टू। अब अगर एक्सलेशन रहता, देखो बच्चों इसी फॉर्मूला से कितना मजा आएगा आपको, एक्सलेशन रहता तो एक्सलेशन का याद है डायमेंशन एल टी नो माइनस टू यानी एम जीरो एल वन टी का पावर माइनस टू। बोलो बहुत सारा कैसे निकाल सकते हो बच्चों, तो यहाँ m वाला में जीरो रख देंगे, l वाला में वन रख देंगे और t वाला में माइनस टू रख देंगे, आ जाएगा एक्सलेशन का। अरे बोलो एक्सलेशन का अगर निकालना रहेगा तो याद है एल टीरो माइनस टू यानी एम जीरो एल का पावर वन टी का माइनस टू, एम का पावर जीरो यानी यहाँ जीरो कर देंगे, एल वाला में वन कर देंगे, टी वाला में माइनस टू कर देंगे, ऐसे बहुत सारा का तुम निकाल सकते हो, पावर का निकाल सकते हो, है ना, डेंसिटी का निकाल सकते हो, जो भी चाहो दो बताएंगे बस सब पानी पानी हो जाएगा बच्चों। तो देखा जाए नेक्स्ट, यहां तक तो सब क्लियर है, एम एल स्क्वायर टी का माइनस टू यानी पावर एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू टू, जेड का वैल्यू माइनस टू, राइट। तो एन टू इक्वल टू एन वन एन टू, एम वन बाई एम टू पावर एक्स, एल वन बाई एल टू पावर वाई, टी वन बाई टी टू पावर जेड। तो बताएंगे बच्चों एन वन वन है, एम वन बाई एम टू वन के जी बाई वन ग्राम पावर वन, एक्स वन है, वाई टू है और जेड माइनस टू, राइट। अब देखिए यहाँ ऊपर में जिसको कन्वर्ट करना ऊपर में रहेगा यानी वन के जी वन, देखो मास है तो वन के जी, लेंथ तो वन मीटर, टाइम तो वन सेकंड, नीचे में सीजीएस तो वन ग्राम, वन सेंटीमीटर, वन सेकंड, कट गया तो वन किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम, अच्छी बात है, बाई वन ग्राम, वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर बाई वन सेंटीमीटर का पावर टू है और ये तो वन हो गया। अब बताओ बच्चों थ्री और फोर सेवन यानी इंटू सेवन टेन पावर सेवन इंटू टेन पावर सेवन, बताइए वन जूल इक्वल टू याद है इंटू अर्थ, तो वन जूल इक्वल टू आ गया टेन टू दी पावर सेवन इंटू टेन पावर सेवन अर्थ, अर्थ क्या बात है, वन जूल टेन टू दी पावर सेवन अर्थ, वन जूल टेन टू पावर सेवन अर्थ, क्लियर हो गया, हो गया। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको जो भी क्वेश्चन, एक और नजारा दिखाते हैं आपको, अगर आप कहेंगे कि नहीं सर हमको पावर, तो पावर को कन्वर्ट करना है तो वर्क बाय टाइम, वर्क का होता है ml square d का पावर माइनस टू बाई टी यानी ml square d का पावर माइनस थ्री, सब खत्म हो गया, पावर m का वन है, l का टू है, t का पावर माइनस थ्री है यानी m, याद है बच्चों m का पावर वन, x वन, y टू और z माइनस थ्री। बोलो तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे तुम बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो एक और यूज, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू और मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, टू और मोर देन फिजिकल क्वांटिटीज और मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, तो बहुत सारे में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, मजा आएगा। और जो डायमेंशन में कुछ डिमेरिट्स हैं उसका भी हम लोग बात करेंगे, लिमिटेशंस हैं उसका भी बात करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा क्लियर हो गया होगा, कन्वर्ट कर दिए वन सिस्टम, सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट और चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर। तो पढ़ते रहिए अच्छा से।